चलिए। हेलो चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बहुत एंजॉय कर रहे हैं? अब खेलना कूदना आप लोग बंद कीजिए और नए सेशन में हम अपनी पढ़ाई आरंभ कीजिए। और इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, फालतू बगीचे में से लेकर के और घर तक का जो आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, भी सिद्धूर के लोग हैं, उनसे डिस्टेंस बना करके रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, ठीक है ना। और बाकी तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, ये इतना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है वायरस का, जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है, तो ये डेली आप लोग न्यूज में देखते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी कठिनाइयां आए हमारे सामने, हमें अपना स्टडी जारी रखना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूं। और आप लोगों की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेंटेंस से रिलेटेड है, तो आइए अब सेंटेंस के विषय में अपनी क्लास से स्टार्ट करते हुए कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें याद रखनी है क्या सेंटेंस के विषय में। द वर्ड्स इन ए सेंटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। अर्थात जो वाक्य के अंदर शब्द होते हैं वो सही क्रम में होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा। यदि ऑर्डर गलत हो जाएगा शब्दों का तो वो वाक्य नहीं होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। किसी भी वाक्य का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर का होना चाहिए, कैपिटल लेटर से आरंभ होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। थर्ड, ए सेंटेंस मस्ट एंड विथ ए प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। अर्थात एक वाक्य उसके अपने प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क पर, विराम चिन्ह पर समाप्त होना चाहिए। विराम चिन्ह लगाते हैं ना, इंग्लिश में भी लगाते हैं आप लोग, हिंदी में भी लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल कॉमन होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में समान होता है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा और उससे अर्थ निकले। यहां देखिए हम वाक्य नंबर एक इधर अपने राइट साइड से मैं लेता हूं, वाई वुड ए इज राम। क्या शब्दों का जो क्रम है वो सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये कभी भी वाक्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस शब्दों को हम सही क्रम में रखते हैं तो राम इज अ वर्ड, राम एक लड़का है, ऋषि इसका उत्तर निकलता है, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो इसलिए यह एक वाक्य है और इसका जो है ये रॉन्ग है, ये वाक्य नहीं है। सेकंड दिया है Why are you good? ये भी अपने सही क्रम में नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं हो सकता। जब इसको सही क्रम में रखेंगे तो हो जाएगा Are you a boy? और जाहिर है कि जब क्या तुम एक लड़के हो, क्वेश्चन ये वाक्य हो गया तो हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर थर्ड है Whether a word pleases। ये भी शब्द इस वाक्य के भी सही क्रम में नहीं रखे हुए हैं, वो सही क्रम में हम रखेंगे तो व्हाट ए प्लेजेंट वेदर, कितना सुहाना मौसम। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है और वाक्य एक्सक्लेमेटरी है ये। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जिस तरह के वाक्य हैं
और वाक्यों के अनुसार हमने पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया और वाक्यों को प्रॉपर ऑर्डर में रखा, तो अर्थात जिसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क हो और शब्दों को सही क्रम में रखा हुआ वही वाक्य होते हैं, यदि क्रम में नहीं रखा गया हो तो वाक्य नहीं होते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वाक्य है या नहीं है, या फिर हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज देंगे जिसके माध्यम से आप शब्दों को सही क्रम में रख करके वाक्य बनाएंगे। आई बात समझ में? यहां पर आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 1 है ये, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सर और सॉरी, और ये फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को एक्सरसाइज दिया जा रहा है, और जैसा कि आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये सही क्रम में, सही ऑर्डर में रख करके, ये ऑर्डर में नहीं है, इनको ऑर्डर में रख करके आपको वाक्य बनाना है, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, और इसमें नीचे लाइन खींच करके पहले आप लोग लिख लेंगे इसे, और इसके बाद से जो लाइन खींची हुई है इस लाइन पर आप लोगों को बिल्कुल क्रम में करके इन शब्दों को और वाक्य बना करके लिखना है, ठीक है? तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।